ठीक है, तो लास्ट क्लास जब लगी थी हम लोग की परसों, तो हम लोग क्या किए थे? दिस कीवर्ड हम लोग कर रहे थे, ठीक है। करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कैसे हम लोग कॉल करते थे वो हम लोग देख लिए थे। उसी का मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। वॉइस आ रही है सबको? ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट दिस करके एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट दिस करके एक क्लास बना लिया, मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले इसको, स्टूडेंट दिस। जावा, ठीक है। और यहाँ पे मैं चार वेरिएबल बनाता हूँ, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। फिर उसके बाद ले लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिए हैं, कोर्स और फीस, ठीक है। स्ट्रिंग कोर्स और फ्लोट फी, ठीक है। चार वेरिएबल मैंने बना लिया, ठीक है। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट दिस स्टूडेंट दिस, और यहाँ पे मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और सेम यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको, मैं कॉपी करता हूँ ये तीनों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉमा करते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जो हम लोग रोल नंबर कैच करेंगे वो कहाँ पे असाइन होना चाहिए? इस रोल नंबर पे असाइन होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है, नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, कोर्स इक्वल टू कोर्स, ठीक है। तीनों को मैंने असाइन कर दिया। सेम मैं इसमें एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसमें मैं चार पैरामीटर दूंगा, और यहाँ पे फ्लोट फी भी मैं दूंगा एक एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फी इक्वल टू फीस, ठीक है। दो कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, डिस्प्ले पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, या मैं तीनों को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ रोल नंबर, ठीक है, प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग डबल कोट से एक स्पेस दे देंगे, रोल नंबर नेम प्लस प्लस,
डबल कोट्स में स्पेस दे दिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर्स प्लस प्लस, फिर डबल कोट से स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फी। ठीक है, दो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया। पहले कंस्ट्रक्टर में तीन पैरामीटर है, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कोर्स। ठीक है, सेकंड कंस्ट्रक्टर जो है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसमें हम लोग ने क्या दिया है, रोल नंबर, नेम, कोर्स और फीस। ठीक है, चारों मैंने लिया है। ठीक है, अब हम लोग मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट दिस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। स्टूडेंट दिस का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। ठीक है, एस वन इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मैं देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 101 कॉमा, मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ किशन कॉमा, कोर्स है BCA3। ठीक है, फिर मैं करता हूँ यहाँ पे S1.display। ठीक है, फिर एक और बनाता हूँ सेम वैसे ही, एक और ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ S2। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ 1002, और किशन की जगह हम लोग डाल देते हैं अतुल। ठीक है, BCA3, और यहाँ फीस उसका डाल देते हैं 2500। यहाँ पे फ्लोट लिए क्या, यहाँ पे इंट हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम लोग रन करते हैं। कैसे रन करेंगे, कमांड में चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, cd \e cd java bca3 java c, student this dot java, कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, रन करने के लिए हम लोग लिखेंगे जावा स्टूडेंट दिस और एंटर मारेंगे, तो क्या आया, नल नल आया। क्यों नल आया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नल इसलिए आया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिस नहीं लिखे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है। दोनों का नेम सेम है, आया समझ में, सभी जगह हम लोग दिस लगाएंगे तो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और सही से वो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, अब इसको मैं वापस से कंपाइल करता हूँ और रन करते हैं इसको। अब आ गई वैल्यू, आई कि नहीं आई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और रन करके भी देखना, ठीक है? दोनों ले लो, कमांड का भी ले लो और इसका भी ले लो, ठीक है? इसको छोटा करो, क्या दिख रहा है कि ये इतना दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको। हाँ, अब ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे सभी लोग, ठीक है? क्योंकि अगर दिस और स्टैटिक समझ में नहीं आया तो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पे डिपेंड करती है, ठीक है? हर जगह अब दिस यूज़ होगा, ठीक है? हर प्रोग्राम में हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसमें, ठीक है? तो आने वाले एग्जाम्पल्स जो होंगे वो पिछले पूरे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही बनेंगे, ठीक है? जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक, कंस्ट्रक्टर का भी टॉपिक था, कंस्ट्रक्टर पता ही नहीं होगा तो ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी, ठीक है? तो जितना भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, सब सभी सभी कॉन्सेप्ट हम लोग हर प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ऐसा मान के चलो, ठीक है? तो हर एक चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर प्रैक्टिकली तुम लोग कर लिए, मतलब थ्योरेटिकली भी कवर होते जाएगा वो, ठीक है? नोट्स बाकी मिलते जा रहा है, सेम चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ वही चीज़ तुम लोग को नोट्स में भी मिलेगा, ठीक है? ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। प्रैक्टिस करना है रात के 10 बजे तक, व्हाट्सएप ग्रुप में सबके प्रोग्राम्स आने चाहिए, ठीक है? बना स्लो स्लो, कुछ नहीं चलते हैं, यूट्यूब से डायरेक्ट स्ट्रीम होता है, सब नॉर्मली चलते हैं, है ना?